हाँ बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव और इसको कंप्लीट कर लिया था। आज प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव का ग्राफीय निरूपण समझेंगे। कौन सा निरूपण? ग्राफीय निरूपण, है ना। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आते हैं रो और टी के बीच। रो का मतलब प्रतिरोधकता और टी का मतलब होता है ताप। तो लिखो रो टी ग्राफ रो टी ग्राफ। तो ये रो टी ग्राफ है, ठीक है। अब देखो रो टी ग्राफ में अगर बात करें हम धातुओं के लिए, अगर बात करें किसके लिए, धातुओं के लिए, तो धातुओं के लिए ये ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है। किसके लिए? धातुओं के लिए। उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, ये रोटी ग्राफ है, ठीक है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, क्या फॉर्मूला था? रो इक्वल टू रो नोट, रो इक्वल टू कितना? रो नोट 1 प्लस अल्फा टी ताप था। और अल्फा यहाँ क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और इसका मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ गए? यानी कि रो किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता है एक सामान्य ताप पर, और रो नोट उस चालक तार की प्रतिरोधकता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। समझ में आ गई बात? ये अब यहां से ये क्या पता चलता है कि धातुओं के लिए अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। अब देखो बढ़ रहा है या नहीं, भाई यहां पे ताप कम है तो प्रतिरोधकता कम है, ताप को बढ़ाया प्रतिरोधकता बढ़ रही है। स्पेशल इस बार का क्वेश्चन क्या था, नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था रो और टी में ग्राफ पूछा गया था कोपर के लिए, और कोपर भी तो एक धातु ही है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में ग्राफ हमें कौन सा मिलता? इस शेप का मिलता। तो उसमें कौन सी शेप का ग्राफ दिया गया था? इस शेप। ये किसके लिए है ग्राफ? कोपर के। मतलब थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, वो ओरिजिन से भी पास हो सकता है और ओरिजिन से ऊपर भी पास हो सकता है, समझे नहीं। तो हमेशा ये देखना होता है कि ताप बढ़ाने पर धातुओं का क्या प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध बढ़ता है। तो ध्यान रखें हमेशा जब भी ग्राफ दिया जाए तो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हमें ये पढ़ाया गया है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध बढ़ता है। किसका? धातुओं का। समझ में आई बात? लेकिन अर्धचालक की बात करें अगर हम, दूसरा ग्राफ हम किसके लिए ड्रॉ करें? रो और टी ग्राफ अर्धचालकों के लिए, ग्राफ रोटी ही है। तो अगर अर्धचालक है, अर्धचालकों के लिए ग्राफ कैसा आना चाहिए? अर्धचालक का रोटी ग्राफ कैसा आता है ये देखना होता है। तो रोटी ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। क्यों मिला भाई ऐसे टाइप का? इसको ये ग्राफ हमें क्या सिखा रहा है? कोई भी ग्राफ ऐसे नहीं देख लिया बस बना दिया रट लिया, नहीं। ग्राफ को पढ़ना सीखना है। क्या सीखना है? अब पढ़ना कैसे सीखेंगे? यहां देखें, यहां ताप, ये वाला ताप है ना, ताप यहां पर है, फिर ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने पे क्या हुआ? प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ी या घटी? यहां पे देखो घट गई है। ताप कम पर प्रतिरोधकता अधिक है, ताप अधिक पर। तो समझ में आई बात? तो यही बात पढ़ाई थी आपको कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की, तो ये ग्राफ किसके लिए होगा? अर्धचालक के लिए। समझ में आ रही है बात? कहानी क्यों हुआ ऐसा? अर्धचालक। अर्धचालक कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, इनको अर्धचालक बोला जाता है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये, ध्यान रखने हैं आपको, समझे नहीं। यहाँ पे कि अगर ताप ये वाला ताप है तो प्रतिरोधकता ये है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें इस बात का। अब बात आती है थर्ड और ग्राफ
ग्राह कौन से आ सकते हैं? मिश्र धातु, जैसे नाइक्रोम, इसके लिए मिश्र धातुओं के लिए ग्राफ क्या आना चाहिए, है ना? मिश्र धातु कौन से बताए थे? कितने मिश्र धातु बताए थे? नाइक्रोम भी बताया था मैंने, यूरेका, देखो नाइक्रोम, यूरेका, है ना? और यूरेका का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टेंटन, कौन सा नाम होता है? कॉन्स्टेंटन। और तीसरा होता है मैग्नीन। तो तीन मिश्र धातु होते हैं। कितने मिश्र धातु होते हैं? तीन मिश्र धातु होते हैं। पहला नाइक्रोम, दूसरा यूरेका या कॉन्स्टेंटन, और तीसरा क्या होता है? मैग्नीन। तो उन मिश्र धातुओं के लिए ग्राफ कैसा आना चाहिए बताओ, कौन बताएगा? मिश्र धातुओं के लिए ग्राफ कैसा आना चाहिए? ताप पर मिश्र धातु यानी के नाइक्रोम का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मिश्र धातुओं के लिए जो रोटी ग्राफ आता है वो किस शेप का आता है? ये शेप इंपॉर्टेंट है। कैसा आता है? और ये उच्च ताप पर है, किसके लिए? मिश्र धातु, मिश्र धातु। और मिश्र धातु हमने क्या क्या बता दी थी? आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम, दूसरे यूरेका, यूरेका का दूसरा नाम या कॉन्स्टेंटन, और तीसरा है मैग्नीन। और यही क्वेश्चन आता है, इनके क्या मानक तार बनाए जाते हैं? मिश्र धातुओं के मानक तार क्यों बनाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या रहती है? इनकी नियत रहती है। समझे नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उच्च ताप की, किस ताप की? उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर वेरिएशन कुछ इस तरह से देखा जाता है। समझ में आई बात? yes. तो इसको नोट करो फटाफट। हो गया? ठीक yes, है। अब देखेंगे, और हमने ओम्स लॉ पढ़ाया था आपको। yes, और ओम्स लॉ में आईवी ग्राफ बताया था, आईवी ग्राफ, yes, है ना? तो थोड़ा सा आईवी ग्राफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आईवी ग्राफ देखो, आईवी ग्राफ हमें क्या बताते हैं? मैंने बताया था आईवी ग्राफ के लिए हम जब टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा किसके बराबर मिलता है हमें? वन अपॉन आर के। और वीआई ग्राफ में परवणता टेन थीटा का मान प्रतिरोध के बराबर मिलता है। तो यहां भी अगर अलग 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 डिवाइस के लिए देखे आईवी ग्राफ एक होता है टेट्रोड वाल, तो टेट्रोड वाल के लिए आईवी ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है? इसको बोलते हैं क्या? टेट्रोड वाल। हमें याद करना कुछ नहीं है इस ग्राफ में, हमें ग्राफ से केवल ये पढ़ना है ये ग्राफ किस बात को बता रहा है। अगर यहां पर वो पूछे यहां कोई एक पॉइंट बना दे वो ए, यहाँ एक पॉइंट बना दे वो बी, यहाँ पॉइंट ए बना दे, यहाँ पॉइंट कर दे वो कितना? बी। समझा नहीं? और यहाँ पर एक और पॉइंट ले लो, ठीक है? तो ये मान लिया, सपोज करे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर स्लोप के बारे में पूछता है वो। स्लोप का मतलब परवणता के बारे में पूछता है। किसके बारे में? परवणता, धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसी तरीके से इस पॉइंट पर परवणता कैसी है, है ना? तो ये पॉइंट ए मान लिया हमने, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी और इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। तो परवणता बताने के लिए ए बी सी पॉइंट पर, है ना, हमें इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। क्या खींचेंगे हम बोलो? एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ए पर एक स्पर्श रेखा हम खींच देंगे, ए पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, खींचो, सी पे स्पर्श रेखा खींच दी, बी पर स्पर्श रेखा खींच दी, और ए पर भी हमने क्या खींच दी बोलो? स्पर्श रेखा। अब देखो ये स्पर्श रेखा खींचने के बाद इस पर बी के समांतर एक
रेखा और खींचेंगे और ये देखेंगे इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्पर्श रेखा से कितना कोण बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है या न्यून कोण। तो सी पर कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण। अगर अधिक कोण बन जाता है तो परवणता ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? क्योंकि 90 से बड़ा मान आ जाएगा टेन थीटा पे और वो होता है कौन से में? सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? जीरो। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? जीरो। और यहाँ थीटा का मान कितना है? 90 से बड़ा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं समांतर खींच देता हूं तो यहाँ पर थीटा क्या है? 90 से छोटा है। तो कहने का मतलब ए वाला पॉइंट किस बात को बता रहा है? ए वाला पॉइंट टेन थीटा में निकालो तो 1/r को बता रहा है, और क्योंकि ये 90 से छोटा है इसलिए टेन 90 से छोटा कोई भी मान लो हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक। और ये क्या बात बता रहा है? ये बात बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये इस बात को बता रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात इसकी पूरी कहानी। दूसरा, बी पॉइंट किस बात को बता रहा है? बी पॉइंट इस बात को बता रहा है कि टेन थीटा बराबर कितना? टेन थीटा कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि 1/r का मान जीरो। तो r का मान बोलो कितना आएगा? r बराबर कितना आएगा? अगर 1/r बराबर जीरो है तो r का मान बताओ कितना आएगा? 1/0। कितना? और 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। अब ये अनंत किस बात को बता रहा है? गौर करो यहां पर, देखो यहां पर b पर कोई धारा है ना, और वोल्टेज भी है। तो R का मान, प्रतिरोध का मान तो अनंत आ रहा है लेकिन वोल्टेज और धारा जीरो नहीं है। इसका मतलब यह है ना तो धारा जीरो है और ना ही वोल्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। तीसरा, पॉइंट किस बात को बता रहा है? इसका प्रवणता देखे तो इसकी प्रवणता कैसी मिलेगी हमें बोलो? 1/r। प्रतिरोध या प्रवणता कैसी मिलेगी? निगेटिव। रेजिस्टेंस निगेटिव मिल गया। ये क्या बात बता रहा है? कि वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट का मान घटता है। समझिए नहीं, वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या है? करंट का मान घट जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ मिल जाता है ना। अगर हम डायोड के लिए ये ग्राफ प्लॉट करें, किसके लिए? डायोड के। तो डायोड कैसे होते हैं? जैसे अर्धचालक है ना, डायोड कैसी युक्ति है? अनओमीय युक्ति है। कैसी? जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ये भी कौन किस नियम का पालन नहीं कर रही है? ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो ये ऐसी युक्तियों के नाम बताओ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो एक हो गया टेट्रोड वाल, एक हो गया डायोड। समझ में आई कहानी? एक हो गया डायोड। डायोड के लिए कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा आएगी। ये ग्राफ आप बताओ, ये ग्राफ क्या बता रहा है? अगर आई को बढ़ा दिया जाए या वी को बढ़ा दिया जाए, है ना, ये ग्राफ भी क्या बता रहा है? आई को बढ़ाने पर वी बढ़ रहा है। यानी कि इसमें भी जो प्रतिरोध आर है वो कैसा है? पॉजिटिव। जब इसका सीख लिया आप तो हर चीज का बता सकते हैं। इसमें सारे ग्राफ आ गए, समझे नहीं? तो नोट करो, इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। लिखो अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है? यस सर। अति चालकता है ना, सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो अति चालकता होती क्या है? कमरलिंग्स ओन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे और उसके सहपाठी थे, यानी कि उसके साथ काम करने वाले, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया कि कुछ धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि निश्चित ताप पर, किस पर? निश्चित ताप पर
उनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाती है। कितनी हो जाती है? हाँ, तेजी से घटती जाती है। क्या? तेजी से घटती जाती है। तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने नाम दिया था अति चालक पदार्थ। क्या नाम दिया था? और पदार्थ के इस गुण को नाम दिया था अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। समझ गए? नहीं तो उन्होंने एक निश्चित ताप, यहाँ पे बात आई, क्या है? निश्चित ताप। तो उन्होंने कहा अगर ये एक उदाहरण की बात करें हम, है ना, मरकरी और लेड, है ना, अति चालक शो करते हैं, अति चालकता शो करते हैं। अब किस ताप पर, जिस ताप पर वो अति चालक पदार्थ बनते हैं उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर तो अगर ये टी ले हम ताप है और ये रो है, तो यहाँ तक तो क्या है, ताप बढ़ाया नहीं। अब ताप अगर बढ़ा दे तो ये रो का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये मरकरी के लिए ग्राफ मिलता है, इसके लिए मरकरी, मरकरी मीन्स पार, और पारे का जो क्रांतिक ताप उन्होंने बताया टीसी, टीसी मीन्स क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, क्रांत यानी के कितना, 4.2 केल्विन। कितना बताया? 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन ताप पर मरकरी किस गुण को दर्शाता है? अतिचालकता के गुण को दर्शाता है। समझे? नहीं तो लिखो कॉपी के अंदर क्या लिखेंगे, कमरलिंग ओन्स, कमरलिंग ओन्स, हाँ देखो बोर्ड पे लिख दिया मैंने स्पेलिंग, कमरलिंग ओन्स तथा उसके सहपाठियों, तथा उसके सहपाठियों, तथा उसके सहपाठियों ने बताया, ने बताया कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर धातुओं की प्रतिरोधकता, तेजी से घटकर शून्य हो जाती है, तेजी से घटकर शून्य हो जाती है, तेजी से घटकर शून्य हो जाती है, ठीक है, तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ, ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को अति चालकता कहते हैं, पदार्थ के इस गुण को अति चालकता कहते हैं। समझे? नहीं। और जिस ताप पर प्रतिरोधकता शून्य होती है उस ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं? और उदाहरण किसका दिया हमने, जैसे पारे का क्रांतिक ताप कितना होता है? पारे का क्रांतिक ताप, ताप कितना होता है? 4.2 केल्विन। तो नोट कर लो और ये ग्राफ बना लो, ठीक है। मान लिया एग्जाम में आपको दे दिया जाए ये वाला ग्राफ और पूछा जाए ये किस गुण को दर्शाता है, अति चालकता के गुण को दर्शाता है, है ना, ये पदार्थ के अति चालकता के गुण को दर्शाता है। क्लियर है, है ना। अब अति चालकता से एक प्रभाव जुड़ जाता है, उस प्रभाव को कहते हैं मेसनर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? मेसनर प्रभाव, मेसनर प्रभाव। अब ये मेसनर प्रभाव होता क्या है, ये हमेशा पदार्थ में
अति चालकता की अवस्था पर है ना प्राप्त होता है। तो अति चालकता की अवस्था में देखा गया है कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे प्रभाव को मैसनर प्रभाव कहते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, समझे? नहीं तो क्या हुआ, अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मैसनर प्रभाव कहते हैं। लिख लो, अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, इस प्रभाव को बोलो क्या कहते हैं, मैसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने अतिचालकता समझ ली, मैसनर प्रभाव समझ लिया, रोटी ग्राफ समझ लिया अलग अलग प्रकार के, और हमने आईवी ग्राफ को समझा, उसकी प्रवणता निकाली। प्रवणता के आधार पे हमने डिसाइड किया कि उसका प्रतिरोध धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध एक गुण होता है प्रतिरोधक का, समझे नहीं, रजिस्टर का, समझे नहीं। तो लिखो, प्रतिरोधों का संयोजन। तो भाई मतलब क्या हुआ इसका, इस हेडिंग का पहले तो मतलब ही समझ में आना चाहिए। क्या बात बताई, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर उनके तुल्य एक प्रतिरोध बना देना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब ये संयोजन, ये ग्रुपिंग दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से ये ग्रुपिंग की जाती है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी में यानी के एक ही मार्ग पर दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधक जोड़ दिए जाते हैं। कितने प्रतिरोधक? दो या दो से। पहले प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1, दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2। इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए हम एक बैटरी लगा देते हैं, जिसका विभवांतर कितना है, V है। तो ये एक धारा है ना प्रवाहित करेगी, और धारा कौन से टर्मिनल में प्रवेश करती है, नेगेटिव, और किससे बाहर निकलती है, हाँ ये ध्यान रखना, कौन से टर्मिनल में प्रवेश करती है, दिशा के लिए अगर बात करें ऋणात्मक है ना, ऋण टर्मिनल में, और धन टर्मिनल से बाहर निकलती है। तो जब ये धारा R1 से होकर गुजरती है तो इसके सिरों के मध्य वोल्टेज पैदा करती है। क्या करती है? यानी के धारा I के कारण R1 के सिरों पर कितने वोल्टेज उत्पन्न होते हैं? V1। इसी प्रकार R2 के सिरों पर कितने वोल्टेज? अगर और भी प्रतिरोध होता तीसरा तो V3। तो अगर दो का समझ में आ गया संयोजन, तो चाहे तीन का कर लो, चार का कर लो, या
पांच का कर लो। समझ में आई बात? तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर देखें हम धारा ही चल रही है तो यहाँ भी धारा कितनी है आई है, और यहाँ भी धारा कितनी होगी आर टू में भी आई ही होगी। समझ में आई बात? तो इस क्रम में क्या चीज समान रहेगी, धारा का मान समान रहेगा और विभवांतर का मान अलग अलग होगा। इंपॉर्टेंट बात, तो ओम का नियम भी आपने पढ़ा। अब इनको जोड़ने के बाद हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, एक तुल्य परिपथ बनाया। ये तुल्य परिपथ है, इसका प्रतिरोध हम आर एस नाम दे देते हैं, सीरीज एस में सीरीज, इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध। किसके तुल्य? आर वन तथा आर टू के। और ये सेम बैटरी, समझ में आई बात? ये वही धारा है ना, ये सेम ये धारा है, धारा उतनी प्रवाहित हो रही है, और ये वोल्टेज है, पूरे वोल्टेज में कितने है? वी है। तो दो को जोड़ के एक बना दे, तीन होते तब भी एक बना देते, ठीक है। तो दो के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस क्रम से ये पता चला कि वह क्रम जिस पर सभी प्रतिरोधों को एक ही मार्ग पर जोड़ दिया जाता है, एक ही मार्ग पर जोड़ दिया जाता है, समझे नहीं? तो अगर एक ही मार्ग पे जोड़ देते हैं तो धारा का मान क्या होता है इस क्रम में, यानी के श्रेणी क्रम में, बोलो क्या चीज समान रहेगा? आई का मान रहेगा समान। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आई का मान समान है तो ओम का नियम पढ़ाया था, उसका समीकरण गणितीय रूप क्या था? V बराबर I इंटू R। तो क्या चीज समान हुई? I। तो V और R में क्या संबंध हुआ? समान हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, तो तीसरी आंख खोल लेनी है यहां से। V समानुपाती R, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल निकलेंगे हमारे, समझे? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है। और V का मान क्या है? अलग अलग है। V का मान कैसा है? अलग अलग, समझे नहीं? तो V का मान अलग अलग, ऐसे क्रम को हम कहेंगे श्रेणी क्रम। तो जब V का मान कितने भागों में बटा है, ये V दो भागों में, अगर तीन प्रतिरोध होते तो कितने भागों में बटता? चार होते तो कितने? N प्रतिरोध होते तो N, तो दो का सीख लो सबका आ जाएगा करना, समझे नहीं? डायग्राम अलग हो जाएगा बस। तो V इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलो? V1 प्लस V2। अब ओम का नियम लगा दो, ये आप ट्रायंगल जानते ही हो, यहाँ क्या लिखते हैं? टॉप पे V, यहाँ क्या लिखते हैं? I, यहाँ क्या लिखते हैं? और V तो किसके लिए है? तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो V बराबर क्या होगा? I गुना Rs, I गुना Rs, चलो जी लिख देते। और V1 कितना होगा? V1 ये है, तो V1 कितना होगा? I into R1, I समान रहेगा। और ठीक V2 कितना होगा? I into R2, I into R2, I से I छमछम, छमछम होने के बाद क्या आया? RS equal to R1 plus R2। तो ये तुल्य प्रतिरोध निकला, ये कैसा प्रतिरोध निकला? ये इस प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, है ना? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों R1 वे R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? R1 प्लस R2। अगर मैं कहूं तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अगर मैं कहूं n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, n बार जोड़ेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे? तो समझ में आ गई बात, है ना? तो सामान्य तौर पे अगर हम लिखे, है ना, n प्रति रोधों के लिए, के लिए कितना लिखेंगे हम? आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश डैश आर एन। अब ये बताना है आपको कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर वन से बड़ा है या छोटा? जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 से बड़ा है या छोटा? और R2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है। कैसा? वो R1 से भी बड़ा है और R2 से भी। तो आपका अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए
दिए गए प्रतिरोधों को किसमें जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम। इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाता है, तो नोट कर लो। हो गया। अब देखो भाई, देखो अगर समान प्रकार के प्रतिरोध है ना, यानी कि सभी प्रतिरोधों का क्या प्रतिरोध क्या हो, समान, तो उसके लिए है ना n समान प्रकार के प्रतिरोधों के लिए ठीक है, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर n समान प्रकार के प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो सभी प्रतिरोधक के प्रतिरोध क्या हो, R प्लस R प्लस R है ना, और कितने कहां तक हो, आर, ये कितने हैं, n है, कितने हैं ये, n है, तो आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n R आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, R प्लस R, दो को जोड़ेंगे 2R, तीन को जोड़ेंगे 3R, 10 को जोड़ेंगे 10R और n को जोड़ेंगे n R। अब देखो श्रेणी क्रम में ये बात पता चली, श्रेणी क्रम में क्या चीज बढ़ जाती है, विभवांतर बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, तो यहां से एक रूल निकल जाता है आंकिक प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस रूल को कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्या कहते हैं, लिखो वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर VDR, हाँ रूल, ठीक है ना, कैपेसिटर में भी मैंने पढ़ाया था ये VDR है ना, यानी के विभव विभाजन नियम, विभव विभाजन नियम, विभव विभाजन नियम। अब इसको सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लेके हम सीखेंगे। सपोज हमने लिया ये कितने ओम का, 2 ओम का, और ये यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध लिया हमने कितने, 4 ओम, और दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में, ठीक, और इस बैटरी के वोल्टेज दे दिए गए, क्या दे दिए गए, वोल्टेज दे दिए गए, और इसके वोल्टेज दे दिए गए है यानी के 8 वोल्ट, कितने 8 वोल्ट। पूछा गया है V1 का मान और V2 का मान बताओ, यानी के 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर और 4 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर बताओ। तो हमें पता है दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में, है ना, तो श्रेणी क्रम में हमें पता है क्या क्या चीज समान होती है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आई समान होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वी समानुपाती आर, क्यों, क्योंकि आई क्या है, समान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वोल्टेज कितने भागों में बटे, 2, तो अनुपात करेंगे हम V1 अनुपात V2 बराबर किसके, R1 अनुपात R2, अरे समानुपाती है तो क्या लिखेंगे, V1 बटे V2 बराबर R1 बटे R2। अगर तीन प्रतिरोध होते तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर R1 अनुपात R2 बराबर आपका R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो R1 का मान देखो यहाँ पर 2 अनुपात कितना 4 अनुपात, तो समान अनुपात में लाओ, किससे काट दो, 1:2 आ जाएगा, तो V1 अनुपात V2 कितना आ गया, 1:2। अब हमें V1 का मान ज्ञात करना है, तो V1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कुल वोल्टेज कितने हमारे पास, 8 वोल्टेज को किस में बांटना है, 2 ओम में, तो यानी कि V1, तो V1 के पास कितने वोल्टेज जाएंगे बोलो, कैसे निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, जब हमें टोटल विभवांतर भी है ना,
और इसको दो भागों में बांटना है जिनका अनुपात कितना है, 1:2। तो जब अनुपातिक योग कर लेते हैं, ये 1 भाग ऊपर रखेंगे, दोनों का योग नीचे 1+2 और कुल वोल्टेज 8, तो कितना आ जाएगा 8/3। तथा दूसरा V2 कैसे आ जाएगा, V2 कितना, कितने भाग है V2 के, 2, 2/2 कितना, टोटल कर लेंगे 3, गुना में कितना 8, तो 16/3 वोल्ट, तो ये हमें मिल जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम कौन सा कर सकते हैं, जब 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं।